हेलो बेटा, आर यू फाइन? मैंने बेटा आपको बोला था कि हमारा ये चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो गया है, यूनिट वर्क पावर एनर्जी। थोड़ा सा छोटे छोटे टॉपिक हैं जो मैं आपको अभी बता दूंगा, राइट? तो मैंने आपसे पूछा था कि आपको क्या पावर पे प्रोडक्शन या न्यूक्लियर बम या मास डिफेक्ट या बाइंडिंग एनर्जी ये पता है या नहीं पता है, तो हम उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो करेंगे हम किसके ऊपर? इक्वलेंस ऑफ मास एंड एनर्जी। पहला हमारे पास इक्वलेंस ऑफ मास एंड एनर्जी। इक्वलेंस ऑफ मास एंड एनर्जी, ठीक है। आइंस्टाइन ने क्या बोला? आइंस्टाइन ने क्या बोला कि मास एंड एनर्जी, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, मास एंड एनर्जी आर इंटरकन्वर्टेबल। राइट, मास एंड एनर्जी आर इंटरकन्वर्टेबल। मतलब मास को आप एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, एनर्जी को आप मास में कन्वर्ट कर सकते हो। मीन्स मास कैन बी कन्वर्टेड इंटू एनर्जी, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इंटू मास। क्लियर है? तो वो हमारे पास जो रिलेशन था वो था दैट इज ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, एम इज मास, सी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। एम इज मास, ई इज एनर्जी। एम मास है और ई क्या है? एनर्जी है। तो मास और एनर्जी दे आर इंटरकन्वर्टेबल, ठीक है, क्लियर। जैसे मान लो सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी क्या है? दैट इज एनर्जी ऑफ द स्टार, दैट इज द एग्जांपल ऑफ कन्वर्जन ऑफ मास इनटू एनर्जी। सन में क्या होता है? सन में, स्टार्स में क्या होता है? जो मास ऑफ द पार्टिकल है दैट इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, एंड दिस एनर्जी इज रिसीव्ड ऑन दिस अर्थ इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट एनर्जी, राइट? तो क्या बोला मैंने कि हमारे पास जो सोलर एनर्जी है या एनर्जी ऑफ स्टार है दैट इज द एग्जांपल ऑफ कन्वर्शन ऑफ मास इनटू एनर्जी। मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, सन में, स्टार्स में जो उनका, उनमें जो मास ऑफ पार्टिकल्स है, सन और स्टार में जो पार्टिकल्स है उनका जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो एनर्जी है हम रिसीव करते हैं अर्थ के ऊपर इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट एनर्जी, राइट? क्लियर है? तो अब हमारे पास एग्जांपल देखो, मास एंड मास को आपने एनर्जी में कन्वर्ट करना, मैंने सन और स्टार के बारे में आपको बात बता दी। सिंपल, अगर आप घर में देखते हो, अपने घर में देखते हो, घर में देखा होगा, घर में हम क्या करते हैं, जैसे मान लो गैस सिलेंडर की बात करो, आज को चूल्हे देखें, आपने घर में चूल्हा देखा होगा, जो टिपिकल विलेज में रहते हैं वहाँ पर अभी तक भी चूल्हा वगैरह को जलाते हैं, पता है ना आपको, तो उसमें लकड़ियाँ डालते हैं, लकड़ी को आग लगाते हैं, लकड़ी ख़त्म होती जाती है, उसकी ऐश बनती जाती है, इतनी लकड़ियाँ हैं उसकी ऐश बन जाएगी। मास किस में कन्वर्ट हो रहा है? एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, ये तो हम दिखाई दे रहे हैं। मास किस में कन्वर्ट हो रहा है? एनर्जी में। आप सिलेंडर लेके आते हो, गैस सिलेंडर, उसका भार होता है, राइट? जैसे वो खाली होता है, राइट, हम उसको यूज़ करते हैं वो खाली हो जाता है। खाली का मतलब क्या है? गैस हम क्या कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं, तो सिलेंडर लाइटर हो जाता है, हल्का हो जाता है। इसका मतलब वो मास किस में कन्वर्ट हो गया? लाइट एंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। दैट आर द एग्जांपल्स ऑफ कन्वर्जन ऑफ मास इनटू एनर्जी। बट अगर हम बात करें किसकी, कि एनर्जी को आपने मास में कन्वर्ट करना है, मतलब हमने पहले लकड़ियाँ जलाई, उससे हीट निकल गई, अब उस हीट और लाइट को हम इकट्ठा करके लकड़ी बना सकते हैं। आइंस्टाइन तो हमें यही बोला है कि हमारे पास एनर्जी एंड मास दे आर इंटरकन्वर्टेबल। मास को आप एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हो, राइट? क्लियर है? मास को आप एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो और एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर सकते हो? मास में कन्वर्ट कर सकते हो। मुझे एग्जांपल बताओ ना कोई कि जिसमें हम सारी एनर्जी इकट्ठी करके लकड़ियां फिर से बना दें, या हम जितनी भी हीट है उसको इकट्ठा करके हम गैस बना दें, LPG बना दें, हो सकता है? बताओ फिर एग्जांपल। आइंस्टाइन ने हमें कैसे बोला? कुछ तो एग्जांपल होगी, राइट? किसने बोला कि एनर्जी मास में कन्वर्ट हो जाता है? कोई तो एग्जांपल बताओ, एक आधी एग्जांपल। हाँ चलो, मैं आपको इंटरकन्वर्शन ऑफ मास और एनर्जी की कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ। पहला, एनिहिलेशन ऑफ मैटर। एनिहिलेशन
एनिहिलेशन ऑफ मैटर. एनिहिलेशन ए डबल एन आई एच आई एल ए टी आई ओ एन एनिहिलेशन ऑफ मैटर. एनिहिलेशन ऑफ मैटर में क्या होता है कि जब हम एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन, व्हाट इज दैट, दैट इज इलेक्ट्रॉन और ये क्या हमारे पास पॉजिट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन जब वो कंबाइन करते हैं, कंबाइन करते हैं, दे डिस्ट्रॉय ईच अदर. एनिहिलेट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनिहिलेट, एनिहिलेट का मतलब डिस्ट्रॉय करना, एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करना. तो इलेक्ट्रॉन जो है जब पॉजिट्रॉन के साथ कंबाइन करता है तो एक दूसरे को वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं. एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन दैट इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन एंड दिस एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ गामा रेज, टू गामा रेज. ध्यान से देखना है, राइट. तो ये जो हमारे पास एनर्जी, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, टू गामा रेज, या इसको ऐसा लिख सकते हो गामा गामा, क्या बोलते हैं इसको, गामा गामा रेज़. दो निकलती है जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन कंबाइन करेंगे तो एक की जो एनर्जी है, एक गामा फोटोन की एनर्जी जो है 0.51 MeV, एक की एनर्जी की, दोनों की कितनी होगी 1.02 MeV, राइट, क्लियर. तो जो फोटॉन्स इमिट हो रहे हैं, यहां पर ध्यान से देखना, यहां पर टू फोटॉन्स इमिट हो रहे हैं. टू फोटॉन्स क्यों इमिट हो रहे हैं, मैं आगे आपको एग्जांपल बताऊंगा. तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है एक, कि जब हम इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन कंबाइन करते हैं तो हमारे पास टू का हमारे फोटॉन निकलते हैं, राइट. इस बात को आपने याद रखना है, वो आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन तो अराइज होने दो. पहले आपको इतना पता चल गया कि जब हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन है, दे एनिहिलेट, दे कंबाइन, दे एनिहिलेट ईच अदर, डिस्ट्रॉय ईच अदर, एंड वहां पर हमें हमारे पास क्या बन रहा है, टू का हमारे फोटॉन जो है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी निकल गए. उसके बाद आ गया हमारे पास पेयर प्रोडक्शन, ये था एनिहिलेशन ऑफ मैटर, ठीक है, क्लियर. एनिहिलेशन ऑफ मैटर, अब आ गया हमारे पास नंबर टू, दैट इज पेयर प्रोडक्शन, व्हाट वी कॉल दैट, पेयर प्रोडक्शन. पेयर प्रोडक्शन क्या होता है, पेयर का मतलब प्रोडक्शन, पेयर, पेयर तो पता है ना, दो इकट्ठी चीजें. तो ये जो पेयर प्रोडक्शन, दैट इज द रिवर्स ऑफ एनिहिलेशन ऑफ मैटर. दिस प्रोसेस इज रिवर्स ऑफ एनिहिलेशन ऑफ मैटर. इन दिस केस ए फोटोन ऑफ एनर्जी, इसमें एक फोटोन, एक इलेक्ट्रॉन, एक पॉजिट्रॉन कम. इन दिस प्रोसेस गामा रे फोटोन जब किसी भी न्यूक्लियस के साथ ऐसे कर देते हैं, यहां पर न्यूक्लियस बना देते हैं, चलो ये गामा रे फोटॉन आया, क्या आया, गामा रे फोटॉन, ये इसके साथ स्ट्राइक किया न्यूक्लियस के साथ, जैसे ये न्यूक्लियस के साथ स्ट्राइक किया, राइट, गामा रे फोटॉन आया, न्यूक्लियस का स्ट्राइक किया, इसने क्या बना दिया, एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन का, राइट. सो ए फोटोन ऑफ एनर्जी, अब इस फोटोन की एनर्जी जो है 1.02 MeV है, ठीक है. वहां पर क्या था, उसमें क्या था हमारे पास, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन, दे एनिहिलेट टू गिव गामा रे फोटोन प्लस गामा, इनकी एनर्जी इसकी कितनी 0.51 MeV, इसकी कितनी है 0.51 MeV, और टोटल कितनी हुई 1.0 MeV टोटल एनर्जी, राइट. वहां पर दो निकल रही है, यहां पर एक ही गामा रे फोटॉन जिसकी एनर्जी 1.0 MeV है, राइट. वो क्या करेगा, न्यूक्लियस के साथ क्या करेगा, इंट्रैक्ट करेगा और एक गामा रे, सॉरी क्या बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन, क्या बनाएगा, प्रोटॉन. This is the example of conversion of energy into mass. मैंने आपसे पूछा था, मुझे कोई example बता दो जिसमें energy mass में convert हो रही है, ये है वो.
गामा रे एक फोटोन क्या है, एनर्जी है, किसमें कन्वर्ट होगी, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, इन दोनों का तो मास है, सो दिस एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मास। तो ये एग्जांपल है हमारे पास पे ऑफ रिडक्शन। अगर आपसे कोई पूछे कोई एग्जांपल बताओ तो आप पे ऑफ रिडक्शन वाली एग्जांपल बता दो कि ये हमारे पास एग्जांपल है जिसमें एनर्जी जो है किसमें कन्वर्ट हो रही है, मास में कन्वर्ट हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का भी मास है, पॉजिटिव का भी मास है। इसमें एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है, इसमें मास किस, इसमें मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास है, पॉजिटॉन का मास है, वो किसमें कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में। यहाँ पर एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है, मास में कन्वर्ट हो रही है, राइट। अब क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है कि यहाँ पर एक गामा रे फोटोन था, इलेक्ट्रॉन पॉजिटॉन उसने बना दिए, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिटॉन ने दो गामा रे फोटोन बना दिए, ऐसा क्यों हुआ, दिस इज माई क्वेश्चन। समझ आई मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला कि यहाँ पर एक गामा रे फोटोन ने दो इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन बना दिया, एक पॉजिटॉन बना दिया, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिटॉन कंबाइन करके क्या बना रहा है, दो गामा रे फोटोन बना रहा है, ये तो बात नहीं बनी। इधर एक ही दो बना रहा है तो दो से एक बन रहा है, राइट। लेकिन मैंने एक चीज़ यहाँ पर सेम रखी है कि इसकी भी एनर्जी 1.02 MeV है, इसकी भी एनर्जी 1.02 MeV है, वहाँ पर दो फिर क्यों निकले। तो सिंपल सा आंसर है टू कंजर्व द लीनियर मोमेंटम। यहाँ पर आप क्या लिखोगे, ये दो इसलिए निकल रहे हैं टू कंजर्व, बस इतना ही याद रखना है, टू कंजर्व द लीनियर मोमेंटम। सिर्फ मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए, टू कंजर्व द लीनियर मोमेंटम हम ये काम कर रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहा, दैट इज टू कंजर्व लीनियर, बस इतना आपने आंसर देना है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है, एक फोटोन दो चीज़ों में निकल रहा है, एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिटॉन, इधर एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिटॉन दो गामा रे बना रहा, तो ये तो बात नहीं बनी, हजम ही नहीं। लेकिन मैंने एक बात बताई कि इसमें भी 1.02 MeV है, इसमें भी एनर्जी दोनों की 1.02 MeV है, तो इसमें दो क्यों निकले, एक ही क्यों निकला, तो उसका आंसर क्या है, टू कंजर्व द लीनियर मोमेंटम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज टू कंजर्व द लीनियर मोमेंटम, राइट। ठीक है, तीसरी एग्जांपल देता हूँ मैं, न्यूक्लियर बॉम्ब। बम सुना है आपने, जो बम जो है दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जन ऑफ मास इंटू एनर्जी। बम कौन सा बम है, दैट इज न्यूक्लियर बम। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ किसकी, न्यूक्लियर बम किसकी एग्जाम्पल है, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जन ऑफ मास इंटू एनर्जी। अब ध्यान से सुनो, जो न्यूक्लियस है दैट इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, ये हमारे पास मान लो एटम है, इसमें न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस है इसमें प्रोटॉन होते हैं और क्या होता है, न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूक्लियस जो है दैट इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूक्लियस न्यूट्रॉन्स, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइन हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स, NUCLEONS, न्यूक्लियॉन्स, राइट। तो न्यूक्लियस जो है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे आपको पता चलेगा, बट हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं, दोनों को कंबाइनली हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। द सम ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज मोर देन द मास ऑफ द न्यूक्लियस, ये भी एक पॉइंट है, सम ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स दैट इज ग्रेटर देन मास ऑफ न्यूक्लियस। समझ में आई बात, नहीं हजम हुई, ग्रेटर देन मास ऑफ न्यूक्लियस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो न्यूक्लियस किससे बना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, न्यूक्लियस किससे बना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, देखो मेरे पास एक डिब्बा है, ठीक है, मान लो उसका मास जो है वो नेग्लिजिबल है, हम नेग्लिजिबल कर रहे हैं या उसको टेयर कर रहे हैं कि उसका मास, उसमें मैंने 1 किलो चावल पर डाल दिए, 1 किलो चीनी डाल दी, तो आंसर कितना आया, 2 किलो,
2 किलो आ गया। ऐसा तो है नहीं कि 1 किलो चीनी डाली, 1 किलो आपने चावल डाले तो आपके पास 1.5 किलो आ गया या 2.5 किलो आ गया, क्योंकि हमने उसका वेट टेयर किया हुआ है, हम डिब्बे का वेट नहीं ले रहे हैं जिसमें हमने डाला है, राइट, उसका वेट नहीं ले रहे हैं हम, उसको हमने क्या कर दिया, टेयर कर दिया, उसको निकाल दिया। लेकिन जब हम 1 किलो चीनी डालेंगे, 1 किलो चावल डालेंगे तो उसका 2 किलो बनना चाहिए। ये क्या बोल रहा है, ये तो क्या बोल रहा है कि मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये किसके बराबर होना चाहिए, मास ऑफ न्यूक्लियस के बराबर होना चाहिए, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से न्यूक्लियस बन रहा है, तो इसका मतलब प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास कंबाइनली किसका मास होना चाहिए, न्यूक्लियस का मास होना चाहिए। लेकिन यहां पर कुछ और ही बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है कि सम ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब सम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स, दैट इज ग्रेटर देन मास ऑफ द न्यूक्लियस। मतलब हमारे पास इन दोनों का जो मास है कलेक्टिवली, वो मास ऑफ न्यूक्लियस से क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब जब न्यूक्लियस बन रहा है तो कहीं ना कहीं मास जो है वो हमारा क्या हो रहा है, खर्च हो रहा है, खत्म हो रहा है। एंड दिस डिफरेंस इन द मास ऑफ न्यूक्लियस एंड द न्यूक्लियस, दैट इज नोन एज मास डिफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको, मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट क्या हुआ, मास ऑफ न्यूक्लियस माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियन समझ गए हो, प्रोटॉन का मास, जितनी प्रोटॉन्स है प्लस न्यूट्रॉन का मास, दैट इज मास ऑफ न्यूक्लियस, उन्हीं से न्यूक्लियस बनता है। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि उसका मास जो है, न्यूक्लियस का मास ज़्यादा होता है, न्यूक्लियस का मास कम होता है, इसका मतलब देर इज सम लॉस इन द मास, उसको हम बोलते हैं मास डिफेक्ट। द डिफरेंस इन द मास ऑफ न्यूक्लियस एंड द न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। तो ये जो एनर्जी थी कॉरस्पॉन्डिंग टू मास डिफेक्ट, एंड द एनर्जी कॉरस्पॉन्डिंग टू, क्वेश्चन आता है व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी, जब आप क्लास 2 में हो जाओगे तो आपसे पूछा जाएगा कि बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी। तो वो बाइंडिंग एनर्जी क्या है, द एनर्जी कॉरस्पॉन्डिंग टू मास डिफेक्ट विच होल्ड्स द न्यूक्लियस इन द न्यूक्लियस। ध्यान से सुनना, द एनर्जी कॉरस्पॉन्डिंग टू द मास डिफेक्ट, दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी विच होल्ड्स द न्यूक्लियस इन द न्यूक्लियस। ये जो मास डिफेक्ट है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है उसको हम बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। एनर्जी कॉरस्पॉन्डिंग टू मास डिफेक्ट, वो एनर्जी कहां पर यूज हो रही है, टू बाइंड द न्यूक्लियस, कहां खर्च हो रही है, न्यूक्लियस को बाइंड करने के लिए, विच होल्ड द न्यूक्लियस इन द न्यूक्लियस। तो जब न्यूक्लियस स्प्लिट अप होता है, व्हेन द न्यूक्लियस इज स्प्लिट अप, दिस एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ गामा रेडिएशन एंड हीट एनर्जी, एंड दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर बम्ब और अटोमिक बम। समझ आई मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनना, मेरे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से क्या बनता है, न्यूक्लियस बनता है। तो इसका मतलब मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन, वो मास ऑफ न्यूक्लियस के बराबर होना चाहिए। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि सम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, वो ग्रेटर देन मास ऑफ न्यूक्लियस होता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा मास जो है वो खर्च हो गया, राइट। वो जो डिफरेंस है दोनों के मास में, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के मास में, दैट इज मास डिफेक्ट। अब एनर्जी कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस मास डिफेक्ट, दैट इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी, BINDING, बाइंडिंग एनर्जी, राइट। ये बाइंडिंग एनर्जी क्या करती है, न्यूक्लियस को बाइंड करके रखती है। अब देखो, प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, राइट, न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है। तो इतने सारे पॉजिटिव चार्ज को इकट्ठा करना, अब देखो आपके पास 10 बंदे हैं, 10 बंदे बड़े खतरनाक हैं, एक दूसरे को लड़ते हैं, उनको बाइंड करके एक कमरे में रखना, तो हमें फोर्स लगानी पड़ेगी, हमारी एनर्जी खर्च होगी, उनको सभी को एक ही कमरे में रखना है और एक दूसरे को ना मारे, ऐसे ही करेंगे ना हम। तो हमने क्या किया, हमने इसमें भी ऐसा किया कि प्रोटॉन, सभी प्रोटॉन जो है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लेकिन फिर भी वो छोटे से न्यूक्लियस में रहते हैं। न्यूक्लियस का साइज होता है 10^-15 मीटर, 10^-15, 1 फर्मी बोलते हैं उसको, 10^-15, इतना छोटा न्यूक्लियस होता है, उसमें भी इतने सारे प्रोटॉन होते हैं और वो भी सेम चार्ज के होते हैं। तो उनको बाइंड करके रखने के लिए
हमें एनर्जी की जरूरत होती है, दैट एनर्जी इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी जो है वो न्यूक्लियॉन्स को बाइंड करने में लगती है। और जैसे ही क्या करते हैं हम क्या करते हैं, यही एनर्जी जो है व्हेन द न्यूक्लियस इज स्प्लिट अप, जब ये स्प्लिट अप होता है तो यही एनर्जी जो है इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट एनर्जी जो है वो निकलती है। बम में ऐसा ही होता है, हम कहते हैं कि जो बम है उसमें से एनर्जी कहाँ से, यही वही जो बाइंडिंग एनर्जी है उसमें न्यूक्लियस को बाइंड किया हुआ है। जैसे ही वो स्प्लिट अप होगा, बम फटेगा, स्प्लिट अप होगा, तो वो जो बाइंडिंग एनर्जी है वो हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी में क्या करती है, कन्वर्ट हो जाती है। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर बम। कई बार पूछा जाता है कि न्यूक्लियर बम का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, तो क्वेश्चन क्या बने, एनिहिलेशन ऑफ मैटर क्या होती है, दूसरा पेयर प्रोडक्शन क्या होती है, तीसरा मास इफेक्ट क्या होता है, न्यूक्लियंस क्या होते हैं, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, राइट, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर बम। छोटे समय में मैंने इतने सारे क्वेश्चन बता दिए। एक और क्वेश्चन बताया कि आइंस्टाइन ने हमें क्या बताया, राइट, और आइंस्टाइन ने जो हमें बताया एनर्जी मास में कन्वर्ट हो रही है, बट मास एनर्जी में कैसे कन्वर्ट हो रहा है वो भी मैंने आपको बताया। बहुत सारे क्वेश्चन, छोटा सा लेक्चर था उसमें बहुत सारे मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए, ठीक है। इसके बाद आ गया हमारे पास पावर। पावर क्या होती है, ध्यान से सुनना, पावर क्या होती है बेटा, पावर डेट इज द रेट एट विच वर्क इज डन। ये तो सभी ने किया हुआ है। दो तरह की पावर मैं आपको बताऊंगा, एक एवरेज पावर, एक इंस्टेंटेनियस पावर, ठीक है। तो एवरेज पावर और इंस्टेंटेनियस पावर, एवरेज पावर क्या होगा, सिंपल, वर्क अपॉन टाइम, राइट। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन इन द टाइम ट्रेवल डेल्टा टी, अगर हमने डेल्टा डब्ल्यू वर्क किया है इन टाइम इंटरवल टी, तो ये जो हमारे पास पावर आई दैट इज एवरेज पावर। क्या आ गई बेटा, ये दैट इज एवरेज पावर। अगर हमने इंस्टेंटेनियस पावर देखी, इंस्टेंटेनियस पावर, तो जब हम इंस्टेंटेनियस पावर की बात करेंगे, इंस्टेंटेनियस, वो क्या आएगा, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डी डब्ल्यू बाय डी, दिस इज इंस्टेंटेनियस पावर। इसको हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस पावर, ठीक है। और पावर जो है डेट इज अ स्केलर क्वांटिटी, और इसका यूनिट क्या होता है, वाट, स्केलर क्वांटिटी, दिस इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर के स्पेलिंग देख लो भाई, सभी गलत लिखते हैं, एस सी ए एल ई आर लिखते हैं सभी, एस सी ए एल ए आर होता है स्केलर, स्केलर क्वांटिटी, राइट। और इसका पावर का यूनिट जो है, यूनिट ऑफ पावर डेट इज वाट, राइट, यूनिट ऑफ पावर क्या होता है, वाट होता है। अब क्वेश्चन आता है कि डिफाइन वन वाट, ये नोट कर लिया आपने, डन। अब हमारे पास आएगा डिफाइन वन वाट, वन वाट को हम डिफाइन करेंगे, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, तो पावर अगर वन वाट है तो वर्क का यूनिट क्या होता है, जॉल टाइम का सेकेंड। पावर इज सेट टू बी वन वाट, ध्यान से सुना, पावर इज सेट टू बी वन वाट इफ वन जॉल ऑफ वर्क इज डन इन वन सेकेंड, राइट। अगर हम बोलते हैं कि हमारे पास कोई अप्लायंस है उसकी पावर वन वाट है, तो इसका मतलब क्या है, उसने वन जाउल वर्क किया इन वन सेकेंड। सो पावर इज सेट टू बी वन वाट इफ वन जाउल ऑफ वर्क इज डन इन वन सेकेंड बाय एनी एजेंट, राइट। तो इसके बिगर यूनिट क्या है, किलो वाट, वन किलो वाट टेंस टू पावर थ्री वाट, वन मेगा वाट, क्या बोलते हैं इसको, मेगा वाट टेंस टू पावर सिक्स वाट, ऐसे यूनिट जो हैं। अब प्रैक्टिकल यूनिट, ये भी आपने पढ़ा है, टेंथ क्लास में पढ़ा होगा, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ पावर दैट इज होर्स पावर, पढ़ा है, होर्स पावर, राइट। होर्स पावर जो है दैट इज एच ओ आर एस ई, होर्स, होर्स पावर बोलते हैं, राइट। और वन होर्स पावर जो है दैट इज 746 वाट, वन होर्स पावर किसके बराबर होती है, 746 वाट के बराबर, ठीक है, क्लियर है, तो पता चल गया। अब पावर और एनर्जी में रिलेशन, डन। तो एनर्जी और पावर में ये रिलेशन क्या है, इसको भी आपने ध्यान से सुनना है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड पावर। तो एनर्जी अपॉन टाइम डेट इज इक्वल पावर, क्यों, क्योंकि क्या होता है ये एनर्जी, वर्क, तो वर्क ऑन टाइम, एनर्जी ऑन टाइम डेट इज पावर,
तो पावर और एनर्जी क्या रिलेशन हुआ? सो एनर्जी दैट इज इक्वल टू पावर इंटू दिस इज द रिलेशन। सो एनर्जी किसके बराबर होगी? पावर इंटू टाइम, राइट? क्लियर है? अब पावर इन टर्म्स ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, पावर इन टर्म्स ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी वो हम करेंगे। ये छोटा सा रिलेशन है पावर इन टर्म्स ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, पावर इन टर्म्स ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, ये हमारा नेक्स्ट छोटे छोटे टॉपिक है बेटा। ये पावर्स, पावर इन टर्म्स ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, आपने देखा पावर किसके बराबर है? डी डब्ल्यू बाय डी। कौन सी पावर है ये? इंस्टेंटेनियस पावर। लेकिन आपको पता है वर्क किसके बराबर होता है? एफ डॉट एस। तो पावर किसके बराबर होगी? डी बाय डी टी ऑफ एफ डॉट एस। ठीक है, क्लियर है? वो समझ आ गई? अब फोर्स तो हमने कॉन्स्टेंट लगाई हुई है तो क्या बन गया है? डी एस बाय डी टी, क्योंकि हम कॉन्स्टेंट फोर्स से काम कर रहे हैं। बट डी एस बाय डी टी क्या होता है बेटा? प्लस विकास रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी। सो पावर किसके बराबर है? सो व्हाट इज योर रिलेशन नाउ? पावर दैट इज इक्वल टू एफ डॉट, दैट इज अ स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, राइट? इन मैग्नीट्यूड आप इसको दे सकते हो एफ वी कॉस थीटा, ये होता है डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, क्लियर है? अब आप इसके ऊपर रिलेशन जितने मर्जी फाइंड कर सकते हो, राइट? तो इसके साथ ही एक बड़ा एक इसमें है मोशन इन वर्टिकल सर्कल, ठीक है? वो हमारे सिलेबस में तो है नहीं, लेकिन है बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब आप कोई क्वेश्चन करोगे तो वहाँ पर आपको ये यूज़ होगा। तो मैं कभी ना कभी इसकी वीडियो जो है, अभी तो मैं नहीं डालूँगा, मोशन इन वर्टिकल सर्कल, ध्यान से सुनना, मोशन इन वर्टिकल सर्कल, उसको मैं वीडियो में डालूँगा, क्योंकि आपके IIT में या उसमें नीट में ऐसे क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, तो मैं वीडियो अलग से पोस्ट करूँगा। लेकिन हमारा जो CBSE का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपका सारा मैंने कर दिया, सिर्फ न्यूमेरिकल्स रह गए हैं। बाकी एक दो नंबर के क्वेश्चन मैं कभी आपको PDF रिवीजन करेंगे तब हम करेंगे, अभी आप आर्टिकल जितने भी वो करते जाओ, राइट? उसके बाद रिवीजन में हम सारा पॉलिशिंग करेंगे और एक एक चीज़ हम याद करेंगे, न्यूमेरिकल भी, 1 मार्क के क्वेश्चन भी, 2 मार्क के क्वेश्चन भी। सबसे पहले आप जितने भी आर्टिकल्स आपको करें बेसिक, वो सारे के सारे आप कर लो, राइट? इसके बाद हम करेंगे ग्रेविटेशन स्टार्ट। ओके बेटा, ध्यान से पढ़ना है इसको। गुड बाय बेटा।